लोम हर्ष के निर्देशन में बनी फिल्म ये है इंडिया को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। फिल्म निर्माता की माने तो इस फिल्म में देश की सच्चाई दिखाने की कोशिश की गई है। वहीं फिल्म के ट्रेलर में अभिनेता गेवी चहल के एक डायलॉग को लेकर विवाद बना हुआ है। फिल्म के खिलाफ कुछ युवा संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है और इसी कड़ी में जयपुर के टोंक रोड पर हल्दीघाटी चौराहे के पास भगत सिंह संगठन की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने फिल्म निर्देशक लोम हर्ष और अभिनेता गेवी चहल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि फिल्म के डायलॉग हमारे भारत की एकता अखंडता को चुनौती देते हैं और इसी के चलते उन्होंने फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है। ये प्रदर्शन भगत सिंह संगठन राजस्थान द्वारा किया गया है तथा एक मूवी आ रही है ये है इंडिया नाम की, जिसके निर्देशक सुधीर चौधरी है और गेवी चहल उसमें अभिनेता है। उस मूवी में भारत देश के टुकड़े कर नया पाकिस्तान बनाने की मांग की है। उस डायलॉग का हम विरोध करते हैं और उस डायलॉग के साथ साथ इस मूवी का भी हम विरोध करते हैं। अगर निर्माता, निर्देशक और अभिनेता अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम इस मूवी का पूरे राजस्थान भर में विरोध करेगा भगत सिंह संगठन राजस्थान, और हम इसे कोशिश करेंगे कि हम इसे पर्दों पर भी ना लगे।